धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। कैसी हो तितली? गुड यार। धीरे धीरे रंग उतरेंगे गहरे तेरे चेहरे। तितली इस मंगलवार से रात 11 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। आपकी लव स्टोरी की शुरुआत ऐसे ही हुई थी और आपकी मैरिड लाइफ की शुरुआत भी ऐसी हो रही है। मुझे शादी की सारी रस्में पसंद हैं, बस एक रस्म को छोड़ के, विदाई की रस्म। बस ये एक ऐसी रस्म है ना जो कोई भी दुल्हन हंसते हंसते नहीं निभा सकती, कभी भी। लड़कियों से सिर्फ माँ बाप छूटते हैं तो उनका रोना बंद नहीं होता। तुम तो न जाने किस किस को छोड़ाई, अपने बापूजी को, बा को, अपने बच्चों को। अगर तुम चाहती हो तो मैं गाड़ी घुमा लेता हूं, उन सबसे मिलाने दोबारा ले जाता हूं। अगर ऐसे ही लौटने लगे तो दुनिया की कोई भी लड़की कभी भी विदा नहीं हो पाएगी। विदाई पे लड़की की आंखों में आंसू तो होते हैं पर साथ ही साथ सपने भी होते हैं, अपने आने वाले कल के सपने, अपने पति के साथ एक नई दुनिया, एक नई जिंदगी के सपने। परिवार से दूर होने का, मायके से विदा होने का दुख है और रहेगा। कभी कभी इस दुख से आंखें भी भर आएंगी,
आंसू भी बहेंगे और आंखों का काजल भी धुल जाएगा। लेकिन चाहे कुछ भी हो, आने वाले कल के सपने कभी भी आंखों से नहीं धुलेंगे। एक दुनिया पीछे छूटी है, पर एक नई दुनिया आगे इंतजार भी तो कर रही है। अनुपमा गई, कान्हा जी उसे खुश रखें। रही बात मेरे घर की, तो इस घर को अब मुझे संभालना है, सिर्फ मुझे, क्योंकि काव्या तो खुद को संभाल ले यही बहुत है। बच्चों के लिए अब तक सिर्फ बाप के फर्ज पूरे करता था, अब माँ बाप दोनों का फर्ज निभाना है। बाप, बापू जी, मामा जी, सब अब मेरी जिम्मेदारी, सिर्फ मेरी। क्या हो गया? टायर पंचर हो गया सर, सॉरी, अभी बदल देता हूँ। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है, आराम से करो। टायर पंचर हो गया तो हाँ। आपने ऐसा क्यों कहा कि जल्दी नहीं है? क्योंकि जल्दी नहीं है। अब देखो अनु, घर जाके हम पूजा और सारी सेरेमनीज में इतने बिजी हो जाएंगे कि एक दूसरे से खुलकर बात भी नहीं कर पाएंगे। ये समझ लो कि कान्हा जी ने हमें थोड़ा क्वालिटी टाइम एक साथ स्पेंड करने का मौका दिया है, जैसे डेटिंग और मैरिज के बीच का पीरियड होता है, वैसे एंजॉय करते हैं ना। आजकल आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही रोमांटिक बातें करने लगे? रोमांटिक? अभी तक तो मैं सिर्फ रोमांटिक बातें कर रहा था मोहतरमा। और अब? अभी तक हक नहीं था तो लिहाज था, अब कान्हा जी ने हक दे दिया है तो लिहाज खत्म। अब पता चलेगा कि असली रोमांस होता क्या है। मतलब बाकी पत्नियां शिकायत करती हैं कि उनके पति उनके साथ रोमांस ही नहीं करते, और मैं शिकायत करूंगी कि मेरे पति हर वक्त रोमांस करते ही रहते हैं। ऐसे ही होगा। एक्चुअली मैं तुमसे इतना रोमांस करने वाला हूँ अनु कि बाकी सारी लेडीज ना, सारी पत्नियां जल कुकड़ी हो जाएंगी। अरे उन्हें तुमसे जलन होगी, जलन कि देखो इसका पति इससे कितना ज्यादा रोमांस करता है। बस बस बस, इतना भी मत जलाइएगा कि वो जलकर कोयला हो जाए। अरे इस साल की पहली बारिश। थैंक यू कान्हा जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। बारिश तेज हो रही है, चलो अंदर बैठते हैं। ये हम कहाँ जा रहे हैं? आपके घर के लिए तो लेफ्ट लेना था। अब जब सब कुछ इतना राइट हो रहा है तो कोई लेफ्ट क्यों ले? हाँ? आप क्या कर रहे हैं? सरप्राइज है। बापूजी की दवाई का, उनके डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट का रिमाइंडर, किंजल के विटामिंस का, वैसे तो तोशु है पर फिर भी मुझे भी ख्याल रखना पड़ेगा। बाकी सत्संग का, बाकी के ट्यूशन का, समर के संडे क्लासेस का, बिजली के बिल का, पानी के बिल का, सब्जी वाले के हिसाब का, एक घर को चलाना कितना मुश्किल होता है। औरतें इतने आराम से कैसे कर लेती हैं, ये सब मुझसे कैसे होगा।